जिन्होंने आज जो है अभिभाषण शुरू किया यहाँ पे, और हम ये देख रहे हैं अभिभाषण पूरी तरह झूठ और फ्रेब का एक दस्तावेज है, पूरी तरह जो है झूठ पत्र जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा जा रहा है और जनता को और सारी विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये सरकार नाकाम सरकार है और जनता इसे रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन दस्तावेज के पहले ही शुरुआत में ही उस केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है जिसने इस सरकार को आर्थिक तौर पे कोई मदद नहीं की। आर्थिक तौर पे प्रधानमंत्री जी के इतने दौरे हुए, मुख्यमंत्री इतनी दफा दिल्ली गए, बेरंग आए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं की, और शुरुआत में ही कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं। जब कुछ आर्थिक तौर पे मदद हुई नहीं तो किस बात का आभार? आर्थिक तौर पे दिवालियापन के कगार पे पहुंच गया। ये कह रहे हैं कि आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा हमने किया है, और आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे महीने जो है कितना भारी भरकम कर्जा लिया जा रहा है। इसलिए ये जो आर्थिक तौर पे जो इन्होंने ये कहा है कि अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, ये पूरी तरह झूठ है और जनता को गुमराह करने वाला है। और इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, हर जगह ये इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बातें कही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 13-14% बेरोजगार हो गया है, 14-15 लाख जो बेरोजगार जो है सड़कों पे हैं, लोग जो है नौकरियों के लिए करा रहे हैं और ये जो है चोर दरवाजे से अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई भर्ती सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से हुई, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई, ना कोई कायदे से भर्ती हुई, सब चोर दरवाजे से जो है नौकरियां देने की कोशिश हुई है। और ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं।